दो शब्द हमारे अतुल भाई साहब यहाँ मंच पर आए और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बहन वाली की पावन धरा को अंशुशा लड़का का सादर से वंदन साथ ही इस आयोजन के समस्त अतिथि मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी हमारे भूपेन भाई मरावी जी आपको सादर सेवा जोहार एवं जिंदगी में पहली बार मेहरबानी के मंच पर मंचा सिंह होने का जो अवसर हमें दिया हमारे भाई हरेंद्र मसराम जी को सादर सेवा जोहार साथ ही एक अनुरोध और चाहूंगा क्योंकि पीछे से इशारा आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों वो जो कुर्सियां खाली पड़ रही है ना उनको उठा दो और अपने यहां पे बैठ जाओ फटाक से जल्दी जल्दी जाओ आपको बैठ जाओ वो कुर्सी में बैठ जाओ बैठ जाओ हाँ आपको बैठे और कुछ लोग इस डेस्क पे बैठ जाए वहां पे भैया लोग बैठ जाए इधर पे दीदी इधर बैठ जाए भैया लोग वो उधर बैठ जाए दीदी लोग से आप उठा ले एवं सिवनी से इधर आते आते आए जबलपुर बहुत लंबा सफर हो गया लगभग ऐसा लग रहा है कि मैं आज 250 किलोमीटर राले के लिए चलाता चले जा रहा हूँ मेरे बस पहुंच रहे हैं कितने बच जाए मैंने हरेन भाई को बोला कि रोक के रखिए डीजे वाले भैया आपसे निवेदन है कि थोड़ा डिले और ई को हल्का सा कम करने का कष्ट करें थोड़ा सा ई को कम कर दें दोस्तों आपको पता है आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस हमारे लिए क्यों जरूरी है इस पर बहुत चर्चाएं यहां पे पहले ही हो चुकी होंगी साथ ही संविधान के साथ साथ संविधान हमें क्या देता है यह सबसे अहम बात है हो सकता है कि आशा करता हूं कि संविधान के जरिए जो आपको अपना अधिकार अपनी पहचान मिली है उसके बारे में यहां पे जितने भी महान वक्तागण उपस्थित हुए उन्होंने बताया हो मगर दोस्तों हमेशा इस अंशुशा मतदान को लोग कुछ ना कुछ नया करता हुआ देखते हैं और पाते हैं मैं हमारे प्रेरणा स्रोत वकील साहब गुड्डू सिंह मुद्दे जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी यहाँ पे मंचा सिंह होने का कष्ट करें मुद्दे साहब हमेशा हमारे आदिवासी समाज के हर एक व्यक्ति के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पे हमेशा तैनात रहे और आज उनकी भी बदौलत है कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है आदिवासियों के पक्ष के जो जजमेंट है उनको हम संग्रह करके अपने हर एक आदिवासी क्षेत्र पे पहुंचा सके हैं आदिवासी की अस्मिता उसकी पहचान को हर क्षेत्र में बता चुके हैं हरेंद्र भाई वैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र ही है ना 5वीं अनुसूची क्षेत्र ही है ना दोस्तों अब थोड़ा यहां पे जो छात्र हैं वो ध्यान से सुनना क्योंकि जब मां साहब कक्षा में पढ़ा रहे हो और उस समय अगर तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटका तो समझ लो तुमको अंडा ही मिलेगा और अंडा का कोई मतलब नहीं है देश के अंदर और हमारे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट का मतलब होता है द पर्सनैलिटी विच इज डेडिकेटेड टू लर्न मतलब होता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो सदा सीखने के लिए तैयार हो उसे हम छात्र कहते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे भाइयों हो सकता है कि आप 18 के हो सकता है कि आप 81 के हो जाओ मेरे दोस्तों मेरे अजीज साथियों मैं आप सभी चाहूंगा कि आप भी स्थान ग्रहण करें ताकि विस्तृत रूप से मैं जो बात यहां पर कहने जा रहा हूं जो रखने जा रहा हूं उसे आप आत्मसात करते हुए यहां से लेके जाए और यदि आपके अंदर अगर आपके अंदर हो हर छात्र और शेर दिल जवानी है ना तो मेरी इस बात को आप हर गली मोहल्ले में पहुंचा दोगे मुझे ऐसा आपसे हो आशा है क्योंकि जो शेर दिल थे जो होनहार थे वो अभी भी इस कक्षा में टिके हैं बाकी बेकार लोग तो पहले ही उनके वस्त्र उठा के लेकर दिए गए ऐसा माना जाता है कि जो धैर्यता होती है जो पेशेंस होता है
जरूरी होता है। और अगर आपके अंदर धैर्यता नहीं होगी, दो सेकंड में लेक्चर बोलने लगा तो समझ लो कि जो आखिरी तक आपका लेक्चर सुना है वो बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा और आप सिर्फ कर्मचारी भी नहीं बन पाएंगे, चपरासी की भी निकल गई तो चपरासी के सामने भी उसके पैर पड़ने पहुंच जाएंगे। इसलिए कक्षा में पूरा समय देने की आदत डालो, यही छात्र जीवन होता है। अगर यदि माता पिता कुछ कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, अगर उन बातों को सुनकर और सही निर्णय लेने की और अपना पक्ष रखने की क्षमता अगर आपके अंदर नहीं आती है तो आपका छात्र जीवन व्यर्थ है। मतलब आपने सिर्फ एक कुत्ते समान जिंदगी जी है। जैसे कुत्ते को बचपन से सिखाया जाता है कि हम तुमको बिस्किट देंगे तुम हमारे पास आओगे, हम तुमको भगा देंगे इशारा कर देंगे तुम उठ के चले जाओगे, वैसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर किसी ने कोई बात आपके सामने रखी है, अपना मत आपके सामने रखा है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई नागरिक हो, चाहे कोई नेतृत्व करता हो, अभी तो मैं भी हूं, मगर आपके अंदर सवाल जवाब करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप एक आदर्श विद्यार्थी बन सकते हैं और तब जाके आप संविधान को समझ पाएंगे। बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। कौन लोग हैं? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के लोगों का पहला कर्तव्य क्या होता है, मैं अपना उदाहरण देता हूं मेरे भाइयों। बहुत सी विचारधारा से गुजरते गुजरते, लोगों से मिलते मिलते, मैंने अपने पढ़ाई के पूरा करने के बाद जब मैंने लॉ की पढ़ाई आरंभ की तो उस समय मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी पढ़ना जब चालू किया, संविधान पढ़ना जब चालू किया, तो मैंने खुद को एक शपथ दी, अगर आपको पसंद आए तो खुद को आप भी दे सकते हो। वो शपथ क्या थी मेरे भाई? वो शपथ थी कि मेरा देश मेरा गौरव है और मेरी धरती मेरी माता है। इसलिए उस दिन से भारत देश की जय और धरती माता की जय मेरा नारा हो गया है। शासक आएंगे ना बदलेंगे तो माँ ही बदल जाएगी ना, तो माँ को बदल, धरती माँ को कोई नहीं बदल सकता। दूसरी चीज कि मेरा धर्म क्या है? हम भारत के जो लोग हैं, जिनके पास इस भारत को आत्मसात करने की, इस संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानने की, क्योंकि मैं भी संविधान को अपना धर्म ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि धर्म एक जीवन पद्धति है, यही बोलते हैं ना धर्म के लोग, ठेकेदार लोग, धर्म एक जीवन पद्धति है और मेरा धर्म मेरा देश है, क्योंकि धरती मेरी माता है, तो मेरे धर्म का संविधान मेरा भारत का संविधान मेरा धर्म है और वही मेरे धार्मिक ग्रंथ है और मैं उस धर्म ग्रंथ को मानता हूं और संविधान की शपथ को मानता हूं, संविधान की शपथ को पकड़कर आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो कोई इधर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे बहुत अकड़ते रहते हैं, बहुत इखलाते रहते हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इनको धर्म पूजन करने का भी अधिकार नहीं होता मेरे भाइयों, क्योंकि मैं संविधान को धर्म ग्रंथ इसलिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि गुरुवाना वाले हैं, कोयापुलिन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, कोयापुलिन तो हमारे खून में है। अब वार्तालाप में तो कुछ चाहिए ना, तो खून में कोयापुलिन और वार्तालाप में मेरे देश का संविधान मेरा धार्मिक ग्रंथ हो जाना चाहिए। क्यों? जो आपको बताना चाहता हूं, भारत देश का एक ऐसा संविधान है, अगर मेरी बात आदिवासी मूल निवासियों तक पहुंच रही है तो उसे आत्मसात करने का कष्ट करें मेरे भाइयों। भारत देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पूरे भारत के अंदर किसी को स्वशासन और मालिकियत इस देश की नहीं दी गई है, और दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को दी गई है कि आदिवासी पांचवी अनुसूची को अगर पकड़ के चले, 13 तिनका को अगर पकड़ के चले तो अपने क्षेत्र में वे स्वशासन कर सकते हैं, अपनी रूढ़ी परंपरा से जी सकते हैं, सरकार को अनुमति नहीं है कि वो उनके साथ हस्ताक्षर करे या उनकी जमीन छीने या उनके अधिकार छीने। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं यहां पे आया मुझे 3
बात हरेंद्र भाई बताए। मैंने इनसे पूछा समस्या क्या है, तीन शब्दों में बताओ। हरेंद्र भाई बोले कि यहां की सबसे बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा कुछ इस प्रकार हुई है कि यहां के लोगों का भौतिक विकास खत्म हो गया है। यहां की उपेक्षा कुछ ऐसी हुई है कि यहां के लोगों का भौतिक विकास खत्म हो गया है। ये वक्तव्य मैंने अपने तरफ से जोड़ा, क्यों जोड़ा ये बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारे शरीर हार्डवास का शरीर है, खा पी के यहां से एनर्जी आती है और उस एनर्जी के आने के बाद हमारा शरीर उस एनर्जी को अलग अलग क्षेत्रों पे लगाता है मेरे भाई, उस ऊर्जा को अलग अलग क्षेत्रों पे लगाता है। जब आपके पास यहाँ पे पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा को अध्ययन करने के लिए यहाँ पे ना हॉस्टल की सुविधा है, ना अच्छे स्कूल की सुविधा है, ना अच्छे कॉलेज की सुविधा है, तो इंसान क्या करता है कि यहाँ से गाड़ी पकड़ा और गाड़ी पकड़ के पहला उसका संघर्ष होता है कि उस एक घंटे दो घंटे पहले मेंढवानी के बस स्टैंड में पहुंचना। मतलब कि यदि आपको शहपुरा के कॉलेज में 10 बजे पहुंचना है या 11 बजे पहुंचना है तो आपको 7 बजे घर से निकलना रहता है और उस 7 बजे से लेके आप 8 बजे तक यहाँ मेंढवानी के बस स्टैंड में आते हैं और उस बस स्टैंड के ड्यूरेशन में आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा को वही व्यक्त कर जाते हैं, करते हैं कि बताइए। उसके बाद आपका 100% में से 20% ऊर्जा पहले खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने बस की तरफ देखा, बस में फिर आप सीट के लिए बहस करते हैं, संघर्ष करते हैं, उस दौरान में आपका 30% ऊर्जा खत्म हो गया। उसके बाद निर्णय क्या निकलता है भाई, भाई निर्णय निकलता है कि आप वहां से बस से जैसे जैसे शहरपुरा पहुंच गए, आप 10 बजे शहरपुरा पहुंचे, उस समय तक आपकी एनर्जी का लेवल आधा हो गया। कितना हो गया? आधा हो गया। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो बोलना जरूर, नहीं तो भाषा शैली बदलनी पड़ेगी। अब आपका ऊर्जा का स्तर आधा हो गया और वहां से आप पैदल पैदल या फिर ऑटो से या जैसे भी आप पहुंचे कहां, अपने कॉलेज को। कॉलेज को पहुंचते पहुंचते 20% ऊर्जा और खत्म हो गई। अब कितने प्रतिशत ऊर्जा बची? कितने प्रतिशत फोन रखते कितने प्रतिशत ऊर्जा बची? 20%। अब उस 20% ऊर्जा में पता चला कि 20% ऊर्जा इस बात से डरते हुए खत्म हो गई कि यार मैंने तो पूरा समय सफर में बिता दिया, अब मैं टीचर को क्या जवाब दूंगा। और उसी के स्थान पे उस शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपनी सिर्फ 20% ऊर्जा को खर्च करके 80% ऊर्जा को लेकर कॉलेज पहुंचता है, इसलिए वो 80% लेके आता है और हमारा यहाँ का व्यक्ति सिर्फ 10% ऊर्जा को लेकर जाता है और दिन रात मेहनत करके 40% तक खींच के लेके आता है। अगर वो सारी सुविधाएं उस बच्चे को उसके गांव में मिलने लगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 140% मुझे काम मिल जाएगा भाइयों। और इसके लिए जिस दिन एक बात को और आप आत्मसात करो, जिस दिन कोई नेता, जिस दिन कोई लीडर, जिस दिन कोई आपके माता पिता आपसे बोले अरे तेरा रिजल्ट कम क्यों आया, तो उनसे कहना क्या कहोगे? पूछना नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट कम क्यों आया। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा रिजल्ट कम क्यों आया तो चलो मेरे साथ इस सड़क का घेराव करो, चलो मेरे साथ धरना दो कि हमको इस क्षेत्र में चाहे का यहाँ पे अभी तत्काल से आवंटित करे सरकार और सरकार तत्काल से आवंटित करने के बाद आज के समर्थन की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ना, इसी के समर्थन को दिया हुआ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली के शिक्षक संस्थान को देख लो मेरे भाइयों और आपके क्षेत्र में शिक्षक संस्थान को देख लो। अगर चाहे तो वैसा मॉडल हम अपने गाँव से शुरू कर सकते हैं, मगर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो मॉडल आप तब शुरू कर पाएंगे। आपको कारण बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोग जागरूक हैं, वो लोग अपने दिमाग की घंटी बजाते हैं, किसी मंदिर का घंटा नहीं बजाते हैं। बस इन पागलों में एक ही फर्क है, एक ऐसे जाके बजाते हैं, दूसरे ऐसे जाके बजाते हैं। एक ऐसे जाते हैं, एक ऐसे जाते हैं। अरे हाथ ऐसे हिला रहे, ऐसे हिला, होना जाना कुछ नहीं है। अरे पढ़ो
अधिकार क्या है, जिस दिन तुमको मौखिक कंठस्थ हो गया कि तुम्हारा अधिकार क्या है, मैं गारंटी बोलता हूँ कि जितने बड़े बड़े एमपी ने खाली हो गए ना, जो कहते कि हम बताएंगे तुम कौन है, वो लोग तुम्हारे सामने उनकी पदमुंगी मिल जाएगी मेरे भाई। इतना ताकत से तुमको अपना पक्ष उनके सामने रखना पड़ेगा, और वो शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने आडंबर में खर्च करने वाला समय उठाकर अपने संविधान और अपने अधिकार को देने का प्रयत्न आरंभ कर दोगे। तो आपको पता है हम लोगों के पास बहुत सारे प्लान होते हैं, हमारे दिमाग में रोज नया नया प्लान आता है, मगर पता है आपको कि प्लान बनाने वाला सबसे उतना नहीं होता जितना उसको एग्जीक्यूट करने वाला होता है। अगर आपके अंदर एग्जीक्यूशन है, अगर आपके अंदर कदम उठाने का साहस है, तो ही आप किसी स्थान तक पहुंच पाएंगे। अगर यदि आपके अंदर कदम उठाने का साहस नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप जहां पर हैं आप वहीं पर रह जाएंगे और फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद जब आप फेल हो जाएंगे तो अपने क्षेत्र पे जाके गांव में मोहल्ले के लोगों के साथ जाके अपनी नाकें लगाएंगे। इसलिए आपकी आपकी इज्जत, आपका भविष्य किसी के हाथ पे नहीं, सिर्फ आपके हाथ पे है, और उसको आप तब अपने हाथ पे काबू में ला सकते हैं जब आप पढ़ाई के साथ साथ अपने अधिकार के लिए लड़ना आरंभ करेंगे। अगर आपके अंदर अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि साइंस एक सब्जेक्ट होता है, कितने लोगों का यहाँ साइंस सब्जेक्ट रहा आया है, उसमें प्रैक्टिकल क्यों होता है, साइंस में प्रैक्टिकल क्यों होता है, रीजन है, आप थ्योरी में सिर्फ रट्टा मार लोगे, आप थ्योरी में सिर्फ रट्टा मार लोगे, मगर जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि H2+O2 को कैसे कंबाइन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उसको कैसे अलग करना है, तब आपको पता चलेगा कि टेक्सचर में आए तो पानी आ रही है। समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूं? तो चीजों को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं जानेंगे, आप रट्टा मार के याद है H2O का, मगर आपको प्रैक्टिकली नहीं पता है कि असल में वो क्या है, तो तब आप फेल हो जाएंगे। और आपको मैं कह देना चाहता हूं एक बहुत जरूरी बात यह है कि कितने लोग यहाँ पर सरकार से मांग करने के लिए तैयार है कि हमको कम से कम 10 एकड़ भूमि आवंटित की जाए। हमारे बीच मैनवाड़ी से थाने से टीआई साहब यहां पहुंच चुके हैं, आदरणीय विजय मुखर्जी जी को यहां पे सादर सेवा जवान का स्वागत करते हैं, साथ ही संविधान दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि यहां पे आयोजन समिति हमारे आदरणीय टीआई साहब के समक्ष पहुंचे एवं उनका स्वागत सत्कार वंदन करने में सहयोग प्रदान करें। दूसरी बात दोस्तों, मैंने हमेशा से एक बात अपने लोगों तक पहुंचाई है, लोगों तक बताई है कि हम लोग हर तरीके से टैक्स देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? टैक्स देते हैं, देते कि नहीं? अच्छा कितने लोग टैक्स देते हैं, हाथ खड़े करो, आपको नहीं पता टैक्स क्या होता है? शैंपू कितने लोग लगाते हैं? तो जितने लोग शैंपू लगाते हैं ना, जितने लोग साबुन लगाते हैं, जितने लोग पानी पीते हैं, जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, आप सबके सब टैक्स देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिशत पे जुड़कर टैक्स हमारा सरकार के पास जाता है, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास जाता है। आपको एक बहुत दुखद बात बता देना चाहता हूं, हमारे देश में क्या है पता है? इस देश के अंदर हमारे देश का जो बजट है, उस बजट का सिर्फ 2.7% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाता है, और हमसे बेहतर तो बांग्लादेश है, हमसे बेहतर तो भूटान है, भूटान जिसे विश्व में सबसे गरीब देश कहा जाता है, उस देश के अंदर अर्थव्यवस्था का 8% शिक्षा में खर्च किया जाता है। अब बताइए कि यहाँ पे अगर यदि वैचारिक रूप से तुलना करना हो कि किस देश की आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी, किस देश की आने वाली पीढ़ी गवार होगी, अगर तुलना करोगे तो शिक्षा क्षेत्र में खर्च होने वाले बजट से आपको पता चलेगा कि हमारे देश के लोग ज्यादा गवार हो जाएंगे।
तो आप अपने जीवन में गवाह बनने के लिए पैदा हुए हैं या फिर पढ़े लिखे के बनने के लिए पैदा हुए बताइए। आप लोग आपस में चर्चा कीजिए, बाद में भी आप समोसा खा सकते थे। यही होता है आदिवासियों के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के अंदर मैं पिछले 8 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। हमारे आदिवासी आते हैं और डरपोक चूहे के समान भाग जाते हैं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग अपने क्षेत्र से नहीं होती। ना उनके माता पिता इस बात में ध्यान देते हैं कि उनका बच्चा अपने क्लास पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। आपको पता है शराब की बहुत बड़ी समस्या कितने लोग मानते हैं? बस दो लोग मानते हैं, बाकी लोग आपको नहीं मानते। आपने सुने, मैंने बोला कि शराब एक बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें कितने लोग मानते हैं? चलो मैं भी बता रहा हूं आपको, शराब एक बहुत बड़ी समस्या है। हाथ नीचे करो। पता है जो इंसान शराब पीता है ना ज्यादा, उसका चेहरे का फिजिक होता है, डिजाइन होता है ना, वो बिगड़ जाता है, जानवर की तरह हो जाता है। अब कितनी लड़कियां यहां पर जानवर से शादी करना चाहती है? बिल्कुल नहीं सर। तो उसके लिए लड़की हो जी। कब लड़ी हो बताओ सर? कब लड़ी हो? आज। क्या आप चाहती हो कि जब आप शादी के मंडप में बैठो तो आपका बनने वाला दूल्हा कुत्ते जैसा दिखे? नहीं बिल्कुल। वो इतना पीते 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 चेहरे में इधर झुकी तो इधर झुकी तो इधर झुकी तो कुछ आ जाता होता ही नहीं बताइए। अब अभी आगे चली चली तो ऐसे, और उस व्यक्ति को हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि शराब पीने से होता क्या है पता है? आपका बॉडी रिश्ता डाउन हो जाता है। तो मेरे पास समय कम है, मुझे वहां से सूचना आ गई है। बेसिकली मैं कैटल ज्यादा लेता हूँ, मैंने बोलना कम कर दिया। कैटल मेरे चलते पता नहीं चलता, लोग इंटरेस्ट से सुनते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, पता चलता है कि कब 4 घंटे का कम जाते हैं वो पता नहीं चल पाता। मगर चलिए, मेक श्योर हमारे बीच में मुद्दे साहब जो वकील साहब है वो शर्मा जा रहे हैं, और जाने से पहले वो दो शब्द कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने छात्रों को दो शब्द अब क्लियर है। दोस्तों, तो हमें किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए अगर लड़ना है तो उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। आपको पता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। जेएनयू की मैं बात करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो उसी की तरह एक और इंस्टीट्यूशन है जेएनयू, जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहा जाता है। और उस जेएनयू में वहां पे जो बच्चा आता है ना वो एंट्रेंस टेस्ट दे के जाता है, और वो एंट्रेंस टेस्ट दे के ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइस का बच्चा जा सकता है, क्योंकि वहां पे पहले फीस नहीं लगती थी, अब वहां पे फीस लगने लगी, वो बात अलग है। तो वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब से गरीब बच्चे का वहां आने तो पहुंच जाते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी हमेशा से मांग रही है कि हमारी शिक्षा को निःशुल्क कर दो, हमारे स्वास्थ्य को यानी हॉस्पिटल में हमारे इक्विपमेंट नहीं लगना चाहिए, हमारे स्कूल में स्टडी मटेरियल से लेकर हमारे एडमिशन से हमारे एग्जाम फीस जो है वो सारी चीजें फ्री होनी चाहिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट का ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री होना चाहिए, उसको पैसे नहीं लगने चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हमको पहले तो आपको ज्ञापन भी देना होता है, यहाँ पर चीजों को कई चीजें ऐसी एक्टिविटी करना होता है। कितने लोगों ने जेएनयू के रूममेट को देखा है? सही बताना, जेएनयू का नाम कितने लोगों ने सुना है? और वहां पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा। मैं इवेंट खत्म होने के बाद आपको भी दिखा दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो आपके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लिए चूंकि वो इसलिए लड़ रहे हैं और उन्होंने फीस कम भी करवाई, मगर अभी वो फिर भी मिले कि फ्री करो, निःशुल्क करो, सारे गरीबों को शिक्षा दो। तो गरीबों को शिक्षा मिलेगी तो किसका फायदा होगा? एक गरीब परिवार का ही होगा ना, तो उस गरीब परिवार के लिए अपने माता पिता के पक्ष में खड़े होने के लिए बार बार माता पिता से ये तो नहीं बोलना पड़ेगा ना कि मम्मी पापा पैसे दो, कॉलेज में पैसे लग रहे, बोलना तो नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमको संगठित होना पड़ेगा, और हमारे पास संगठित होने के लिए गोरवाले स्टूडेंट सीनियर है। कितने लोगों ने गोरवाले स्टूडेंट सीनियर का नाम सुना बताइए? एक चीज देखिएगा कि गोरवाले स्टूडेंट सीनियर अभी तक का एनालिसिस पे आपको बताना चाहता हूं,
मैं संस्थापक हूँ, मैंने उसकी स्थापना की, उसके बाद हमें 10 साल पूरे करने के बाद अपने रिसर्च पे गिर गया, मैं अपने शोध में अलग गिर गया और लोगों को दे दिया कि आप लोग बनाते रहो। इन्होंने कहा इन्होंने आप जुड़े रहो, आप साइड में मत हो। तो मैंने कहा चलिए ठीक है आता हूँ। दोस्तों गुरुवाणी स्टूडेंट्स यूनियन एक ऐसा मिशन लेके चल रहा है कि जिसके माध्यम से हमारे साथ यहाँ पे हमारे वराणी जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा वराणी जी अंतिम क्षणों में 2 मिनट के लिए हमें भी समय दे दीजिए, आपके साथ ही साथ निकल जाएंगे अभी हमारे छात्रों को थोड़ा सा यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। हम सोच रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा जो नवनिर्वाचित बच्चे हैं।